Hello students, as in the last video we discuss about the argument and the validity of the arguments in the propositional logic through the truth table. Now in this video we learn a topic which is called the normal forms of a propositional logic. Theek hai? So there are two operations which we have learned in the previous lectures, the conjunction and the disjunction. The conjunction is basically equivalent to the AND operation and the disjunction is logically or operation. ठीक है, तो देयर आर टू टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन और द प्रपोजिशनल लॉजिक एक्सप्रेशन. तो प्रपोजिशनल लॉजिक एक्सप्रेशन में हम दो टर्म पढ़ते हैं. द फर्स्ट टर्म इज द कंजक्टिव टर्म और विच इज कॉल्ड द कंजक्शन और कंजक्टिव क्लोजर टर्म. ठीक है, तो कंजक्शन टर्म होता है या कंजक्टिव टर्म होता है आपका अ क्लोजर और टर्म दैट कंटेन ओनली द एंड ऑपरेशन, दैट इज द कंजंक्शन ऑपरेशन. नेगेशन इज अलाउड बट ओनली डायरेक्ट ऑन द वेरिएबल. ठीक है, तो ऐसा कोई भी टर्म जो केवल किससे क्या कंटेन करता है, एंड ऑपरेशन कंटेन करता है या कंजंक्शन ऑपरेशन कंटेन करता है, जिसमें नेगेशन हो सकता है लेकिन डायरेक्टली ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल पे डायरेक्टली अप्लाई होता है, होना चाहिए, इज कॉल्ड द कंजक्टिव टर्म. उसको हम कहते हैं कंजक्टिव टर्म. सच एज द कंजक्टिव टर्म ऑफ द थ्री वेरिएबल इज डिफाइंड एज पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन नॉट आर, not p and not q and r. These terms are called conjunctive terms in which the variables or the propositions are connected only with the conjunction or and operation. Similarly, the another term in the propositional logic statement are the disjunctive term. The disjunctions or disjunctive term are the terms which contain only the disjunction, that is the or operation. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पी और क्यू और नॉट आर, नॉट पी और क्यू और नॉट आर, दीज आर द डिस्जंक्टिव टर्म. Now, there are two forms of the propositional expression or propositional logic which is called the conjunctive normal form or the disjunctive normal form. In the digital electronics, we learn two terms, the sum of product or product of sum forms. So, these two forms are equivalent to sum of product or product of sum forms. ठीक है, यहाँ पर conjunction का मतलब होता है आपका द प्रोडक्ट टर्म. एंड ऑपरेशन को हम वहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, प्रोडक्ट से. और डिसजंक्शन का मतलब होता है द सम टर्म यानी और ऑपरेशन. डिसजंक्शन मीन्स और ऑपरेशन, जिसको सम से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर से. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंजंक्शन का मतलब होता है एंड टर्म, जिसको हम डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट इक्विवेलेंट फॉर्म्स. तो यहाँ पर हम कहते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF of a propositional logic is a propositional formula is in conjunctive normal form, that is CNF, if it is the conjunction of disjunctions of literals. ठीक है, तो अगर हम कहते हैं किसी भी propositional formula को जो किसके form में होगा, conjunction of disjunctions के form में, यानी disjunctive terms का conjunction अगर करें तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं conjunctive normal form. And CNF is an AND operation of ORs. तो basically CNF is a product of sum term. ये क्या है आपका, product of sum form है, जिसमें हम OR operated literals या OR operated variables का AND operation perform करते हैं. For example, P OR NOT Q and P OR Q OR NOT R is a CNF. तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, CNF which is एंड ऑपरेशन ऑफ और ऑपरेटेड वेरिएबल. तो ये और ऑपरेटेड टर्म्स हैं आपके, ये डिसजंक्टिव टर्म्स है. तो डिसजंक्टिव टर्म्स का अगर हम कंजंक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दैट इज CNF, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ सम. अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करूँ तो इसको हम रिप्लेस करते हैं डॉट से. ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एंड है और ये और है, तो इसको डिनोट करते हैं हम प्लस से. तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स. Similarly, the disjunctive normal form or DNF is equivalent to sum of product. इसको हम equivalent लेते हैं किसके, sum of product के. The propositional formula is in disjunctive normal form, that is DNF, if it is the disjunction of conjunctions of literals. अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा formula जो
कंजंक्शंस के डिसजंक्शन के फॉर्म में है, जिसमें बहुत सारे कंजक्टिव टर्म का हम डिसजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड DNF. DNF इज एन और ऑफ एंड ऑपरेटेड वेरिएबल्स. तो DNF जनरली क्या है, और ऑपरेशन है किसका, एंड ऑपरेटेड वेरिएबल्स का. सो इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के फॉर्म में डिफाइन करते हैं. सच एज पी एंड नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू एंड आर इज ए DNF. तो ये फॉर्म क्या बनेगी आपकी, DNF फॉर्म बनेगी. ठीक है, अब हाउ टू रिप्रेजेंट ए प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन इन टू CNF एंड DNF. तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ द ट्रुथ टेबल मेथड, जो बहुत ईजी मेथड है, एंड द सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग द प्रपोजिशनल लॉजिक प्रॉपर्टीज़. और उसको सिंप्लीफाई एक्सपेंड करके हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को CNF और DNF में कन्वर्ट करते हैं. Now there are some terms which are used when we convert any propositional formula into CNF or DNF. The first term is the min terms. और min term को हम कहते हैं product term, end operated term और the conjunctions और conjunctive term. ठीक है, तो इसे conjunctive term हमने पढ़ा था कि अगर हम variable का उनकी true value पे या फिर complemented value यानी negation के साथ क्या परफॉर्म करें, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें या कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको कनेक्ट करें, तो जो टर्म बनता है उसको हम कहते हैं कंजक्टिव टर्म, और वही टर्म कहलाता है आपका मिन टर्म. तो मिन टर्म होता है अ कंजंक्शन और एंड ऑपरेटेड टर्म्स ऑफ वेरिएबल आइदर इन द ट्रू फॉर्म, ट्रू फॉर्म का मतलब नेचुरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दैट इज द नेगेशन फॉर्म. तो अगर वेरिएबल्स को ट्रू फॉर्म या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेके हम उनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो टर्म बनता है वो टर्म कहलाता है आपका मिन टर्म. ठीक है, सो इन ए मिन टर्म, किसी भी मिन टर्म में वेरिएबल आपका ट्रू फॉर्म में आएगा, नॉर्मल फॉर्म में आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, ये डिपेंड करता है कि उस मिन टर्म में उस वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू क्या है. ठीक है, तो इन अ मिन टर्म द वेरिएबल इज ट्रू, किसी भी मिन टर्म में वेरिएबल ट्रू वैल्यू यानी नॉर्मल फॉर्म में आएगा. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब विदाउट नेगेशन, नॉर्मल फॉर्म में आएगा इफ इट इज इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, अगर उस मिन टर्म में उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, दैट इज वन. एंड ए वेरिएबल इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा यानी नेगेशन के साथ आएगा, इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, उसमें फॉल्स है यानी जीरो है. तो किसी भी इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम मिनटम डिराइव करें, तो उस मिनटम में जो वेरिएबल है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगा अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा यानी नेगेशन के साथ आएगा अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. नाउ देयर आर वी डिराइव द मिनटम फॉर द थ्री वेरिएबल. अगर मेरे पास तीन वेरिएबल हैं तो तीन वेरिएबल के लिए मिनटम डिराइव कर सकता हूँ. देयर आर थ्री वेरिएबल, तो थ्री वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो हमने तीन वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन लिख दिया, ट्रू फॉल कॉम्बिनेशन, ये इनपुट कॉम्बिनेशन हो गए. अब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम एक मिनटम डिफाइन कर सकते हैं. द मिनटम इज द कंजक्टिव टर्म, ये कंजक्टिव टर्म है, एंड ऑपरेटेड टर्म्स है. ठीक है, किसी भी मिनटम में हम वेरिएबल को एंड ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं, और उस मिन टर्म में जो वेरिएबल है वो नॉर्मल फॉर्म में आता है अगर उसकी उस कॉम्बिनेशन में ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आता है अगर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. तो पहला मिन टर्म अगर हम डिफाइन करें तीन वेरिएबल पी क्यू आर का, तो इस मिन टर्म में पी फॉल्स, क्यू फॉल्स, आर फॉल्स, देन दिस इज नॉट पी, मैंने बताया फॉल्स है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा यानी नेगेशन के साथ आएगा, क्यू भी फॉल्स है तो नॉट क्यू, आर भी फॉल्स है तो नॉट आर, और तीनों को हम क्या कर देंगे, कंजक्शन से कनेक्ट कर देंगे. तो ये आपका प्रोडक्ट टर्म है, सिंपली इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट टर्म. अगर मैं इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो दिस इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड आर कॉम्प्लीमेंट. तो सिंपली हम इसको पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर. ठीक है, दूसरा मिनटम डिफाइन करें, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर, नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर, देन फॉल्स ट्रू, फॉल्स, नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर. तो जहां पर ट्रू है वो वेरिएबल आएगा नॉर्मल फॉर्म में, जो फॉल्स है वो वेरिएबल आएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिनटम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड टर्म आता है इसमें मैक्स टर्म, द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म. द मैक्स टर्म इज द सम टर्म और
ऑपरेटेड टर्म्स और डिजंक्टिव टर्म। तो डिजंक्टिव टर्म या डिजंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म कहते हैं। अगर वेरिएबल के बीच में उनके नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को लेकर हम डिजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उससे जो टर्म बनता है वो मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म इज ऑब्टेन बाई डिजंक्शन और ऑपरेशन बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, अब मैक्स टर्म को हम डिराइव करते हैं तो ये सम टर्म है। तो किसी भी मैक्स टर्म में वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यानी नेगेशन के सम कब आएगा। तो हम कहते हैं जब भी हम मैक्स टर्म डिराइव करते हैं द वेरिएबल अकर्स विद द नॉर्मल फॉर्म। कोई भी वेरिएबल अपनी नॉर्मल फॉर्म में अकर होगा इफ़ इट्स ट्रू वैल्यू और ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, अगर वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, उसके कॉम्बिनेशन में वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, उसका अपोजिट हो जाता है यहाँ पर मिनटर्म का। और अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो क्या आएगा, और अगर ट्रूथ वैल्यू वन है तो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू वन का मतलब ट्रू है। तो इन ए मिनटर्म द वेरिएबल अकर्स कॉम्प्लीमेंटेड यानी नेगेशन फॉर्म इफ इट इज ट्रू। अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी नेगेशन टर्म में आएगा। एंड इज इन द नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में आएगा इफ इट्स अ ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नाउ द मैक्स टर्म फॉर द थ्री वेरिएबल। अगर तीन वेरिएबल के हम मैक्स टर्म डिफाइन करते हैं, पी क्यू आर द टर्म्स इनपुट वेरिएबल टर्म्स एंड द मैक्स टर्म फॉर द थ्री वेरिएबल्स आर। तो तीन वेरिएबल के लिए हमने एट कॉम्बिनेशन डिराइव कर लिए। अब यहाँ पर मैक्स टर्म होता है आपका सम टर्म, तो दिस इज अ सम ऑपरेशन, और ऑपरेशन इज द सम ऑपरेशन, इक्विवेलेंट टू सम ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते हैं द मैक्स टर्म फॉर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो अगर फॉल्स है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा और ट्रू है यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। तो फॉल्स दैट इज पी, फॉल्स दैट इज क्यू, फॉल्स दैट इज आर नॉर्मल फॉर्म में आएगा। ठीक है, और उसको हम और ऑपरेशन से या डिसजंक्शन से जोड़ देंगे। फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स है तो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, फॉल्स है तो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ट्रू है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके लिए मैक्स टर्म डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपने पढ़ा है मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म के फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए सम टर्म। ठीक है, अब मैक्स टर्म मिन टर्म का यूज़ हम करते हैं कहाँ पर, जब किसी बुलियन एक्सप्रेशन सॉरी प्रोपोजिशनल एक्सप्रेशन को हमने CNF या DNF में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्टिंग ए एक्सप्रेशन इन द DNF, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम DNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। DNF का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस। बहुत सारे कंजक्टिव टर्म है, उन कंजक्टिव टर्म का मतलब प्रोडक्ट टर्म है, उन प्रोडक्ट टर्म का हमने क्या करना है, सम करना है यानी डिसजंक्शन निकालना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द ट्रुथ टेबल, यहां पर हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रोपोजिशनल फॉर्मूला हमें दिया है, एक्सप्रेशन हमें दिया है, उस प्रोपोजिशनल फॉर्मूला फंक्शन या एक्सप्रेशन के लिए हम ट्रुथ टेबल डिराइव कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। जब ट्रुथ टेबल डिराइव हो जाती है तो हमको फाइनल एक कॉलम मिल जाता है, लास्ट कॉलम, जो उस एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। देन आइडेंटिफाई द रोज फॉर विच द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। हम आइडेंटिफाई करते हैं उन रोज को, यानी रो का मतलब मिनटर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके लिए उस प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, देन राइट द मिनटर्म्स और कंजक्टिव टर्म्स ऑफ दीज रो, उन रो के लिए जिनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है उनके लिए मिनटर्म लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था मिनटर्म कैसे बनाएंगे, अप्लाई द डिसजंक्शन फंक्शन, उनके बीच में डिसजंक्टिव फंक्शन एंड डिसजंक्शन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं टू फॉर्म द DNF, DNF को फॉर्म करने के लिए। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल से किसी भी एक्सप्रेशन का DNF ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। लेट अस कंसीडर कंस्ट्रक्ट द DNF ऑफ द प्रपोजिशन। हमको एक प्रपोजिशन एक्सप्रेशन दिया है पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट आर। ठीक है, और इसके लिए हमने DNF एक्सप्रेशन लिखना है। तो DNF एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिंपली हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं इस एक्सप्रेशन की और उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं यहाँ पर तीन वेरिएबल के लिए एट कॉम्बिनेशन हमने डिराइव कर लिए। इसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट हम हमेशा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, तो P implies Q यहाँ पर दिया है आपको। implication में मैंने बताया था एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर पहला वेरिएबल ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी implication फॉल्स होता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू होता है। तो दैट इज फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। सेकेंड इज नॉट आर,
नॉट आर मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर, नेगेशन कर दो आर का, तो फॉल्स का नेगेशन होगा ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स. देन पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट आर, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड में दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स. ठीक है, जब हमारी ट्रू टेबल बन जाती है देन आइडेंटिफाई द रो फॉर विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू. तो कहाँ कहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू है, इस रो के लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है और इसके लिए ट्रू है, हम इन रो को इंडिकेट कर लेते हैं, उनके मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. नाउ द मिनटर्म ऑफ दीज थ्री रोज, इन तीन रो की मिनटर्म को अगर हम देखें तो ये इसके लिए ये कॉम्बिनेशन है और इसके लिए ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, नाउ द मिनटर्म्स ऑफ दीज थ्री रोज आर, पहले के लिए मिनटर्म बनाएंगे. मैंने बताया था मिनटर्म में वेरिएबल किस फॉर्म में आता है, नॉर्मल फॉर्म में आता है अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नेगेशन के संग आएगा अगर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, और मिनटर्म होता है आपका कंजक्टिव टर्म. तो पहला मिनटर्म बनेगा आपका द मिनटर्म्स आर तो पहला मिनटर्म बनेगा फर्स्ट के लिए दिस इज नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट आर, सॉरी. ठीक है, तो पहला ट्रू, यहां पर हमको फंक्शन की वैल्यू ट्रू मिली है तो इसके लिए मिनटर्म बनेगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो तीनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तीनों नेगेशन के साथ आएंगे, बीच में हम क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे. सेकेंड मिनटर्म बनेगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर ट्रू है तो इसके लिए मिनटर्म ये बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर. एंड द थर्ड मिनटर्म इज ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर ट्रू है तो इसके लिए मिनटर्म बन जाएगा पी क्यू एंड नॉट आर, पी एंड क्यू एंड नॉट आर. तो दीज थ्री आर द मिनटर्म्स, ये तीन मिनटर्म है, इन तीन मिनटर्म को डिसजंक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम क्या कर सकते हैं, डिसजंक्शन बना सकते हैं. सो द डी एन एफ ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट आर, और सॉरी नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, और पी एंड क्यू एंड नॉट आर. तो दिस इज द डी एन एफ ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन. तो इस तरह से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल की हेल्प से डी एन एफ में चेंज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सीएनएफ, सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी डीएनएफ फॉर्म इनटू सीएनएफ और सीएनएफ फॉर्म इनटू डीएनएफ, और उसके बाद हम देखेंगे कि विदाउट ट्रूथ टेबल हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं.